सरगुजा में एक बार फिर हाथियों के आतंक का मामला सामने आया है। जिले के लखनपुर विकास खंड के लोटा ढोडी में जंगली हाथियों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। गौरतलब है कि लखनपुर धर्मजयगढ़ सीमा क्षेत्र में पिछले कुछ समय से एक दर्जन से ज्यादा हाथी सक्रिय है और यहां हाथियों के झुंड ने करीब 15 घरों को तहस नहस कर दिया है और इन घरों का अनाज भी खा चुके हैं। वन विभाग वालों को एक बार रेंजर को फोन किया तो 5 लीटर मिट्टी तेल दिया मसाल जलाने के लिए, उसको भी नहीं मान रहा है हाथी। हाँ, तो क्या लगता है इससे डर बना हुआ है? हम लोगों का डर यही डर है कि हम लोगों को बढ़िया टार्च चाहिए और बाल बच्चे को बचा सकते हैं, अपना घर में घर को भी बचा सकते हैं। वहीं इस मामले के बारे में बताते हुए सरगुजा वन अधिकारी पंकज कमल ने बताया कि सरगुजा में वन मंडल के अभी 2 दल सक्रिय हैं। हाथी मित्र दल के लोग रेंजर एसडीओ निगरानी और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमें जानकारी मिली है कि लगभग 13-14 घर तोड़े गए हैं। शासन के निर्धारित रेट में उन्हें तत्काल मुआवजा प्रदान किया जाएगा और मदद पहुँचाई जाएगी। अभी सरगुजा वन मंडल में 2 दल एक्टिव हैं, एक लखनपुर मेन पार्ट और धर्मजयगढ़ के बॉर्डर एरिया में तकरीबन 15 हाथियों का दल है और अभी ये राजपुर और लुंड्रा बॉर्डर के आसपास 5 हाथियों का दल है। तो दोनों जगह पे मॉनिटरिंग करी जा रही है। हाथी मित्र दल के लोग, हमारे रेंजर एसडीओ सभी लोग और प्लस हमारे जो फायर वॉचर्स और समिति के लोग हैं उनके माध्यम से वहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और थोड़ा अभी महुआ का सीज़न है तो ग्रामीण महुआ को घरों में एकत्रित करके रखते हैं तो उससे अट्रैक्ट होकर कहीं कहीं पे हाथी घर वगैरह भी तोड़ रहे हैं, तो उसकी भी समझाइश दी जा रही है लोगों को कि घरों में महुआ वगैरह ना रखें और जंगल में जहाँ पर भी हाथी है वहाँ पर महुआ वगैरह कलेक्ट करने के लिए अभी ना जाएँ, ऐसी समझाइश दी जा रही है। अभी जो हम लोगों को जानकारी मिली है लगभग 13-14 घर के आसपास तोड़े गए हैं, तो उनको जो भी हमारा शासन का निर्धारित रेट है उसमें मुआवजा वगैरह तत्काल प्रदाय किया जाएगा और उनको समझाइश दी जा रही है कि हाथी वाले विचरण एरिया में वो महुआ वगैरह एकत्रित ना करें और वहाँ पर ना जाएं। बता दें कि देश में छत्तीसगढ़ हाथियों के आतंक से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। राज्य की 28 में से 10 से भी ज्यादा जिले हाथियों के उत्पात से बुरी तरह प्रभावित हैं। राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2019 और नवंबर 2021 के बीच राज्य में हाथियों द्वारा 195 लोगों की जान जा चुकी है और संपत्ति के नुकसान के 62,134 मामले सामने आ चुके हैं। समझना ये भी होगा कि इनके फैलाव की वजह क्या है। विशेषज्ञों के मुताबिक जंगलों का कटाव, खदानों में अंधाधुंध ब्लास्ट और रिहायशी इलाकों का बेहिसाब बढ़ाव भी इनके दूसरे इलाकों में बढ़ने की वजह है। हमें ये भी सोचना होगा कि क्या इसमें वाकई इन प्राणियों को गुनहगार ठहराना ठीक है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। हाथियों के क्षेत्र में मानव लगातार दखल बढ़ाता जा रहा है, खदानें खुल रही हैं, जंगल कम हो रहे हैं, इससे हाथी गांवों में घुस रहे हैं। अब कई जगह हाथी और इंसान के बीच संघर्ष की स्थिति बन रही है। इस समस्या पर रोक लगाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा संरक्षित वन क्षेत्र विकसित करना होगा। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंचें।